इस टाइम मुशकुरी टॉप बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे किसी तरह की बर्फ़ वगैरह नहीं है। विदाउट जो बर्फ़ मुशकुरी टॉप का व्यू है वो आप देख रहे हैं, बादलों को छूते हुए ये नथिया गली हिल्स के माउंटेन पहाड़ आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो बादल हैं वो नहायत खूबसूरत व्यू देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट आतिफ खान स्वाती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लेके सेवन क्रिएशन। आज मैं मौजूद हूँ मुशपुरी टॉप। मुशपुरी टॉप पे वैसे दो रास्ते ट्रैक जाते हैं, एक डूंगा गली से जाता है और एक नथिया गली से जाता है। आज हम जो नथिया गली वाली साइड है, लालाजार वाइल्ड लाइफ पार्क वाली साइड, उस साइड से मुशपुरी टॉप की तरफ जा रहे हैं और आपको विजिट कराएंगे इस साइड से मुशपुरी टॉप का। पहले मेरी वीडियो मौजूद है, वो सर्दियों की वीडियो है, उसमें पूरे ट्रैक पे बर्फ़ थी और मुशपुरी टॉप पे बर्फ़ थी। आज जो है वो समर की वीडियो है, न्यू वीडियो है और इसमें जो है बर्फ़ नहीं होगी। बर्फ़ के बगैर मुशपुरी टॉप कैसा व्यू देती है आज हम देखेंगे। चलिए चलते हैं और इसके नज़ारे एंजॉय करते हैं। अगर आपने चैनल हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। यहाँ से टिकट लेने के बाद ऊपर जाते हैं। यहाँ पे ट्रैक से ऊपर जाने के लिए घोड़े भी हैं, घोड़ों पे भी ट्रैक पे जाया जा सकता है। पाँच से दस मिनट की मुसाफत के बाद लालाजार वाइल्ड लाइफ पार्क का गेट आता है। नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि मुशपुरी टॉप के जो हिल्स हैं वो नथिया गली हिल्स कहलाते हैं और ये जो जगह है ये एबटाबाद के रीजन बकोट में आती है। ये खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है और नथिया गली हिल्स इन पहाड़ों को कहते हैं और ये सतह समुद्र से 2800 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। मुशपुरी का जो ट्रैक है वो जो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद से 90 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और तकरीबन 2.5 से 3 घंटे इस रास्ते को अबूर करने में लग जाते हैं। ताहम यहाँ पे आने के लिए जो रास्ता इस्तेमाल किया जाता है वो एक तो नेशनल हाईवे है और दूसरी जो है वो
हमारी वाली मोटरवे है। मेरा मानना ये है कि मोटरवे से जो हमें पड़ता है वो ज़्यादा सफ़र पड़ जाता है और 90 किलोमीटर नहीं पड़ रह जाता, फिर 110 120 किलोमीटर तक पहुंच जाती है बात। तो हम जो नेशनल हाईवे है वो इस ट्रैक तक आने के लिए बेहतरीन है, 2.5 से 3 घंटे में आसानी से यहाँ पे पहुंच जाता है बंदा। अयोध्या नेशनल पार्क का यहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड लिखा हुआ है और साथ में घोड़सवारी करने की जो कंडीशंस हैं वो भी लिखी हुई हैं और माहौल दोस्त सियाहत को फ़रोग दें इसके बारे में बताया गया है कि अयोध्या नेशनल पार्क एक कौमी वर्षा है, इसको अपने लिए और आने वाले सियाहों के लिए काबिल इस्तेमाल बनाने में अपना किरदार अदा करें। नेज खाने पीने की अशिया बोतलें वगैरह किसी कूड़ादान में डालें ताकि कुदरती माहौल को लूदा होने से बचाया जा सके। बकाया जो चीज़ें यहाँ पे लेके आप नहीं जा सकते वो बताई गई हैं, पेट्स, कुकिंग की चीज़ें, गन्स वगैरह, ये चीज़ें आप यहाँ पे नहीं लेके जा सकते। बर्फ़बारी होने की सूरत में जो कंडीशंस हैं वो भी यहाँ पे बताई गई हैं। यहाँ पे आप 1-2 किलोमीटर फासला तय करेंगे लालाजार का वाइल्ड लाइफ जो पार्क है उससे आगे, तो यहाँ पे आपको बोर्ड नज़र आएगा जिसके ऊपर 3 जो हैं नाम लिखे हुए हैं। राइट साइड पे जाएंगे तो डूंगा गली का ट्रैक आ जाएगा, सीधा ऊपर की तरफ जाएंगे तो मुक्शपुरी ट्रैक है और नीचे की तरफ जो है जिस साइड से हम अभी ऊपर आए हैं लालाजार ट्रैक है। चूँकि हमारा जो है वो मुक्शपुरी जाना है तो हम जो है ये वाला सामने वाला ट्रैक इस्तेमाल करेंगे। नाजरीन 2 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद अब मुशपुरी टॉप पर मैं पहुंच गया हूं। यहां से मुशपुरी टॉप से जो है वो 3 जगह हमें जो है वो आसानी से देखने को मिलती हैं। एक साइड से हमें पूरा खैबर पख्तूनख्वा नज़र आता है, दूसरी साइड से हमें पूरा इस्लामाबाद और मरी नज़र आता है और तीसरी साइड से जो है हमें कोहला और कश्मीर का इलाका नज़र आता है। अब ये जो साइड है यहाँ से अब मरी, हबासियाँ, क्वाला बाग और कश्मीर का इलाका नज़र आता है। कश्मीर से गुजरने वाला जो दरिया है दरिया जेहलम वो भी आप देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रहा होगा इस वीडियो में। और अब हम इस साइड पे जाएंगे तो इस साइड पे हमें खैबर पख्तूनख्वा का व्यू नज़र आएगा। ये मुशपुरी टॉप की दूसरी साइड है, यहाँ से जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका बकोट है उसका व्यू नज़र आता है। सामने घर आप देख सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा का ये इलाका है।
नाज़रीन, अब मैं वापस जो है वो नीचे सड़क की तरफ जा रहा हूँ। लगभग 15 से 20 मिनट मुझे हो गए हैं चलते हुए, और मेरे ख़्याल से मैं कोई 40-45 मिनट में जो है नीचे रोड पे पहुँच जाऊँगा, क्योंकि जाते वक्त नीचे उतराई होती है, इंसान जल्दी पहुँच जाता है। डूंगा गली का ये खूबसूरत बाज़ार